जय श्री कृष्णा राधे राधे कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो मैं लेके आई हूँ फिर से आप लोगों के लिए अमेजिंग कलेक्शन लाजपत नगर का लाजपत नगर पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया है पार्ट टू देख रहे हैं तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अमेजिंग कलेक्शन दिखाने वाली हूँ तो ये देख सकते हैं पहले हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको इतने सारे कलेक्शन दिखा रही क्वेश्चन के और सबका प्राइस जो है ना वो साढ़े तीन सौ रुपये है बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन है यहाँ पे क्वेश्चन के तो ये साढ़े तीन सौ रुपये में आपको मिल जाता है ये जो आप देख रहे हो ना डो ये जो टेबल कवर जो होता है टेबल पे रखने वाला है कुशन मतलब डोरमेट बोल सकते हो ठीक है तो इसका प्राइस हंड्रेड रुपये सेल में था और ये कुशन वगैरह देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल था इसका प्राइस जो है वो साढ़े तीन सौ रुपये है और बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं ठीक है थीके? मैं शॉप नंबर भी बता दूंगी ताकि आप इजीली यहाँ से बाय कर सकते हैं ये ऑनलाइन नहीं देते तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं बट मैं शॉप नंबर बता दूंगी जब आप लाजपत नगर जाओ तो आप वहाँ से ले सकते हैं ये देख सकते हैं शॉप नंबर सेवन के जो नीचे में ही ये शॉप लगाते हैं भैया कुशन कवर का या कुशन का या डोरमेट वगैरह का या टेबल कवर टेबल पे रखने वाला जो कवर होता है इसके बाद मैं आगे बढ़ी ना मुझे ये बैंगल्स के ज्वेलरी के काफ़ी अच्छे कलेक्शन लगे मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए जिनको भी ज्वेलरी का काफ़ी शौक है वो ले सकते हैं और इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दूँगी आप इन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हो इसका रेट फोर फिफ्टी का फोर फिफ्टी का और इसके साथ एयरिंग्स वगैरह भी ठीक है और ये वाला फाइव फिफ्टी का इसके साथ भी होगा गया एयरिंग्स और टीका ये ब्राइडल वाला इसका, इसका रेट क्या साढ़े चार सौ ये जो कुंदन वाला होता है वो ये इसी को बोलते ना कुंदन वाला कौन सा ये कुंदन वाला और कुंदन का क्या रेट होगा साढ़े तीन सौ पाँच सौ उसकी क्वालिटी के हिसाब से होगा सॉरी ये चोकर में है और इसका क्या रेट है थ्री फिफ्टी का। तो फ्रेंड्स यहाँ ज्वेलरी के बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन है जिसमें आपको चोकर मिल जाता है कुंदन वाला मिल जाता है ये बेंगल्स वगैरह मिल जाते हैं बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ अवेलेबल है और बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन आपको ज्वेलरी का मिल रहा है अगर आप लोगों को भी इस टाइप की चाहिए ना तो आप इन भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी और ये बेंगल जो है ना ये ढाई सौ दो सौ ऐसे करके था इस टाइप का अगर आपको ये बेंगल्स लेना है तो ये दो सौ ढाई सौ के अराउंड आपको मिल जाएगा वैसे आप भैया से बात कर लेना कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे ही रही हूँ ठीक है इनका पूरा कार्ड दिखा रही है आप इनसे बात कर सकते हो तो ये देख सकते हैं अभी मैं दिखाती हूँ आपको ये देखिए अच्छा ये कार्ड तो उल्टा हो गया ये देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है आप इन्हें व्हाट्सअप के थ्रू बात कर सकते हो और भी ज़्यादा कलेक्शन देखने है ना तो आपको ये स्क्रीन भेज देंगे आप उसको भी आ, मतलब बाय कर सकते हो बार्गनिंग वगैरह भी कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको घर बैठे चाहिए आप कहीं और दूर से देख रहे हो और चाहते हो कि इस टाइप की ज्वेलरी आपके पास भी हो तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं वेडिंग ज्वेलरी है ठीक है या किसी भी पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए सारी ज्वेलरी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ब्राइडल का मतलब बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन जितना भी आप इंस्टाग्राम पे देखते हो सेलिब्रिटी को देखते हो वेयर करें ना वो सारे अवेलेबल हैं इनके पास और ये एयरिंग्स देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन है जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है अगर आपको इस टाइप की एयरिंग्स चाहिए हैवी वर्क में तो आप इनसे बात कर सकते हो सबका प्राइस जो है ना अलग अलग ही था ठीक है बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है इनका आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैंने देखो आराम अरा, आराम से आपको दिखाया ताकि आप आराम आराम से ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और भैया जी से बात कर सकते हैं और इन्हें बोल सकते हैं कि मुझे ये वाला चीज़ का प्राइस बता दो तो वो आपको कोरियर भी करवा देंगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी करियर वगैरह में भी ठीक है कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे हैं ज्वेलरी के एयरिंग्स बहुत अच्छे अच्छी हैं वैसे आप इनसे कांटेक्ट करके इनकी शॉप पे भी जा सकते हो और वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में मिल जाता है ठीक है और साउथ दिल्ली की ना बहुत फेमस शॉप है ये मतलब मार्केट है यहाँ पे काफ़ी अच्छे एथनिक कलेक्शन मिलते हैं जिनको भी एथनिक ड्रेस लेनी हो ना या एथनिक चीज़ें लेनी हो ना वो यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करें बहुत ही अच्छे अच्छे और सस्ते में कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है जैसे कि आप एयरिंग्स वगैरह देख सकते हो आगे मैं आपको और चीज़ें भी दिखाऊँगी जैसे कि ब्लाउज़ वग़ैरह हो गया रेडीमेड जिनको चाहिए होता है इंस्टाग्राम पर जो बहुत ज़्यादा वायरल है वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी बहुत ही बजट के अकॉर्डिंग ही मिलेगी

और ये स्लीपर वगैरह अगर आपको इस टाइप का चाहिए जो काफ़ी कंफर्टेबल होता है तो इस टाइप का भी ले सकते हो तो दो दो ढाई सौ तीन सौ के अराउंड में मिलता है ठीक है सबके अलग अलग प्राइस थे किसी एक का बताना तो पॉसिबल नहीं है बट ये आप देख सकते हो आइडिया लगा सकते हो कि कुछ इस टाइप के लेटेस्ट कलेक्शन आए हुए हैं इस टाइप के स्लीपर हैं यहाँ पर और वहाँ जा आप ले सकते हैं लाजपत नगर में बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे तो इसलिए मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए बहुत नए कलेक्शन आए हुए हैं यहाँ पर स्लीपर का और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी इनकी शॉप पे तो मैंने कवर किया है और प्राइस एक एक का बताना पॉसिबल तो था ही नहीं और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस टाइप के ब्लाउज मतलब लाजपत नगर मार्केट ना इस टाइप के ब्लाउज़स के लिए बहुत फेमस है यहाँ पे आपको ये इंस्टाग्राम वायरल ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा मिल जाता है काफ़ी ट्रेंडिंग में है रहता है ये यहाँ पे हमेशा नया कलेक्शन ही मिलता है और डिज़ाइनर डिज़ाइनर पीस होते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन आपको मिलते हैं बिल्कुल जो नया अभी चल रहा होता है ना वही यहाँ पर मिलता है और लड़कियाँ लेती भी हैं क्योंकि एक ब्लाउज ले लेते हो ना फिर वो आप काफ़ी लहंगे साड़ी सूट के मतलब साथ कैरी कर सकते हो और प्राइस भी सबका अलग अलग था ऐसा नहीं है कि सबका एक ही प्राइस हो ठीक है जैसे आप ये देख सकते हैं ये मोती जो क्यारा अडवाणी ने वेयर किया था ना अगर आपको ये क्यारा अडवाणी वाला चाहिए तो इसका एक हज़ार पचास करके बताया था प्राइस ठीक है और ऊपर वाले का भी वही सेम प्राइस है ग्यारह सौ पचास बट मुझे ये वाइट वाला जो मोतियों वाला काम हो रखा ना बहुत प्यारा लग रहा था अगर किसी को इस टाइप का चाहिए ना जो क्यारा अडवाणी ने कैरी किया था इस टाइप का मोतियों वाला तो आप ले सकते हैं और ये इस टाइप का भी बटरफ्लाई वाला ये ले सकते हो काफ़ी ये भी बहुत ज़्यादा चलता है और इसके बाद इस टाइप की अगर आपको जूतियाँ चाहिए तो ये भी अवेलेबल है एक सिर्फ़ और सिर्फ लाजपत नगर मार्केट में और ये देख सकते हैं ये घुघरू वाले के तो क्यूट से लग रहे थे ना बहुत प्यारे प्यारे थे साढ़े तीन सौ चार सौ ऐसे करके मतलब क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस वग़ैरह था पर रेट भी लग जाता है भैया लगा ये ना रेट लगा देते हैं ठीक है अगर आपको इस टाइप की लटके चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी आपको लाजपत नगर मार्केट में मैंने कहा ना यहाँ पे आपको बुटीक वालों के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाता है लटकने वगैरह की और इसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे ये सौ रुपये का सेल लगा हुआ था बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे यहाँ पे कोई सा भी ज्वेलरी ले लो सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड का ही था और बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन लगे थे इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ सारा आपको मैंने सरोजनगर वाला वीडियो नहीं देखा हो ना तो आप देख सकते हो वहाँ पे भी हंड्रेड का ही बताया था यहाँ पे भी ये हंड्रेड का ही सेल लगा हुआ था पर यहाँ पे मुझे थोड़े से ज़्यादा हैवी वर्क में लगा था तो इसलिए मैंने आपको दिखाया ये देखिए कितना प्यारा था ना ये मोतियों और ये कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन था सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड में हैवी वर्क में आपको काम मिल रहा है और एयरिंग्स वगैरह भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ पचास रुपये था इस टाइप के एयरिंग्स अगर आपको लेनी है तो पचास में ले सकते हो वैसे अगर आप ये जाके सरोजनी से लेते हो तो तीस रुपये में भी ईज़िली मिल जाता है ठीक है और इसके बाद में यहाँ पे ना सेल बहुत अच्छा लगा था एयरिंग्स वगैरह के ठीक है कानों के मतलब और नेकलेस वगैरह इन भैया का, का पूरा ही का पूरा शॉप पर कलेक्शन लगा हुआ था अगर आप लोगों को इस टाइप की चाहिए ना नाइट सूट या टी शर्ट वग़ैरह तो आप ले सकते हैं यहाँ पे इसका प्राइस थोड़ा हाई था एक्सपेंसिव था, था 495 का था इस टाइप का भी आप ले सकते हैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है ये कलेक्शन बिल्कुल नया होता है ब्रांड का होता है इसलिए थोड़े एक्सपेंसिव होता है शॉप का अंदर का कलेक्शन है तो इसलिए आपको इस टाइप में ही मिलेगा आपको इस टाइप का कलेक्शन और इसी तरह के और ट्रॉली वगैरह वाले भैया मिल जाते हैं आपको आगे भी कोट सेट वगैरह आप लेना चाहते तो वो ले सकते हो तो इसका प्राइस भी वो साढ़े पाँच सौ छः सौ ही चार्ज करते हैं बार्गेनिंग शायद ज़्यादा नहीं करते पर कर सकते हो आप उतना ज़्यादा नहीं करते जितना आप सोच के जाओगे यहाँ पे तो फिक्स ही रेट होता है और इसके बाद हम और आगे चलेंगे यहाँ पे देख सकते साढ़े सात सौ रुपये में सेल लगा हुआ था कोई सा भी आप ये सूट का कलेक्शन ले सकते हो जिसमें सूट सलवार दुपट्टा पूरा मिल रहा था तो और इस साइड साढ़े सात सौ का था ये सामने थोड़ा हैवी में जो था वो हज़ार का सेल लगा हुआ था देखो क्वालिटी बहुत अच्छी थी कलेक्शन बहुत अच्छा था और ये पार्क के सामने था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे कलेक्शन इतने अच्छे थे इसके बाद ना हम चले एक पतली सी गली में उसी सूट वाले भैया के सामने मुझे काफ़ी लगा कि ऐसा क्या है इसके अंदर इतनी पतली सी गली थी पर इसमें सूट के कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे थे इसमें आपको पाकिस्तानी सूट भी मिल जाता है अगर आपको चाहिए ना तो आप पूरा वीडियो देखिए और मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी क्योंकि आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं पाकिस्तानी सूट भी यहाँ से ये यह देख सकते हैं नायरा कट में भी आपको मिल जाता है और बस पतली सी गली है आपको मतलब ये देख रहे दोनों साइड दुकान है इस साइड भी और इस टाइप और देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी सूट इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा आपको तो ये ले सकते हैं अगर जिनको भी पाकिस्तान आजकल ना इतना ट्रेंड में चल रहा है ना ये पाकिस्तानी सूट कि मैं बता ही नहीं सकता मतलब इंडिया में पाकिस्तानी सूट ज़्यादा फेमस हो चुका है तो आप लोगों को भी चाहिए तो आप ले सकते हैं हर जगह आपको मिल जाएगा पाकिस्तानी सूट अवेलेबल पाकिस्तानी सूट अवेलेबल ठीक है मतलब लाजपत नगर मार्केट में बहुत अच्छे कलेक्शन मिल रहे हैं पतली सी ही गली मिलेगी आपको बस ये है ना मार्केट में ना आपको मतलब अंदर के अंदर जाना पड़ता है बहुत ही अंदर जाओगे तभी आपको अच्छे अच्छे कलेक्शन मिलेंगे ऊपर ऊपर से कुछ नहीं मिलता बिल्कुल अंदर में जाओगे ना तो हिडन हिडन मार्केट छुपी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आपको मिल जाते हैं तो ये देख सकते हो कलेक्शन देख सकते हो और बताए भैया लोग ना वैसे रेट बताते नहीं हैं आप बताइए क्या करना आप इसका मैं कांटेक्ट नंबर दे रही आप इन्हें कांटेक्ट करके ना इनसे बात कर सकते हो और इन्हें करियर भी करवा सकते हो घर बैठे भी तो ये भैया का कार्ड है आप इसे कांटेक्ट कर लीजिएगा इनका नंबर है इसमें दिया हुआ और आप पाकिस्तानी सूट भी ऑर्डर कर सकते हैं इनको बोल के ये देख सकते हो मैंने थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की अगर आपको इसमें से पसंद आता है तो स्क्रीनशॉट लेके बात कर सकते हो अदरवाइज़ इनके शॉप के अंदर भी बहुत सारे कलेक्शन हैं आप व्हाट्सअप के थ्रू इनसे बात कर सकते हो वो दिखा देंगे आपको कलेक्शन आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं इन्हें कलेक्शन बहुत सारे मिल जाएंगे लहंगा लांचा गाउन शरारा सब कुछ अवेलेबल है पाकिस्तानी सूट बहुत सारी चीज़ें थी इनके शॉप पर अवेलेबल तो इसलिए मैंने आपको दिखाया है आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी क्योंकि बहुत भीड़ होती है यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं होता इतना सारा कलेक्शन और ये पर्स का कलेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे साढ़े तीन सौ का कलेक्शन जो था ना सेल लगा हुआ था ये अगर आपको इस टाइप का चाहिए तो आप ले सकते हैं और ये हमेशा ही यहाँ पे स्त्री वस्त्रा के सामने ना सेल पे रहता है ये वाला कलेक्शन अगर आपको इस टाइप के पर्स का कलेक्शन चाहिए तो और ये ना बहुत ही अच्छा सेल लगा हुआ था पर्स का जिसका प्राइस दो सौ रुपये और ढाई सौ रुपये में था इधर वाला दो सौ था उधर वाला ढाई सौ रुपये था तो अगर आपको इस टाइप का चाहिए तो आप ले सकते हैं लहंगे और लांचे वाली शॉप के आगे ही लगाते हैं गली है एक पतली सी जारी जिसमें छोले भटूरे वाले भैया लगाते हैं छोले भटूरे की दुकान अब आप ऐसे समझ में नहीं आएगा आप आंटी की तरफ से जब आओगे ना आ, तो वहाँ से एंटर करने के बाद ना थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक गली दिखेगी जिसमें छोले भटूरे और ये सब लगाते हैं भैया तो उसी वाली गली में जाओगे ना तो आपको ये मिल जाएगा कलेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे ये ढाई सौ वाला था और दूसरी तरफ जो था वो दो सौ रुपये वाला कलेक्शन था तो मुझे लगा आपको लेना चाहिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर ही सस्ता कलेक्शन मिल रहा था पर्स का और अच्छे अच्छे कलेक्शन थे बिल्कुल लेटेस्ट तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है ये देख सकते हैं लहंगे लांचे वगैरह मिल रहे थे यहाँ पे और फिर आगे ये डोलमांी के बगल में ना आपको ये वाले कलेक्शन मिल जाते हैं ये जो आप देख रहे हैं ना टेबल कवर ये सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड में मिल रहा था सारे साइज़ अवेलेबल थे इसमें और जो ज्वेलरी बॉक्स देख रहे हैं इसका सभी प्राइस सबका अलग अलग प्राइस था छोटू वाले का जो था वो ढाई सौ रुपये से शुरू था और बड़े वाले का फिर आगे बढ़ते जाओगे आप साढ़े तीन सौ तीन सौ चार सौ पाँच सौ ऐसे करके था पर ये जो छोटू वाला देख रहे हो ना ये इसका प्राइस भैया ने मुझे ढाई सौ रुपये बताया था और डोलमा आंटी की शॉप के बगल में ही है। अगर आपको इस टाइप के ज्वेलरी बॉक्स चाहिए ठीक है तो आप ले सकते हैं कॉस्मेटिक वगैरह भी मिल जाता है आपको साइड में पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके पास का कलेक्शन और डोलमा अंटी की शॉप पर तो वैसे ही पता है आपको भीड़ होती है उसके बगल में गोलगप्पे वाले के यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत सारी मिल जाती है तो आप खा पी भी सकते हैं अच्छे से और इसके बाद हम मार्केट से बाहर निकलेंगे और हाँ ऐसा नहीं है कि मार्केट में ही सिर्फ आपको अच्छे कलेक्शन मिलते हैं मार्केट के बाहर भी जो है ना आपको बहुत अच्छे कलेक्शन दिखाने वाले ये देखिए जैसे आप मार्केट का जो मेट्रो की तरफ जाते हो ना तो उधर की तरफ आपको ये हंड्रेड हंड्रेड में सॉरी ये डेढ़ सौ डेढ़ सौ रुपये में ये सेल लगा हुआ था अगर आपको इस टाइप का ये चाहिए ना विष्णु गारमेंट के बगल में तो ये ले सकते हो दुपट्टा बहुत अच्छा था जो डेढ़ सौ डेढ़ सौ रुपये में मिल रहा था वैसे तो ये हंड्रेड में भी मिल जाता है कत्यन मार्केट में पर यहाँ पे आपको मिल रहा था डेढ़ सौ रुपये में इसलिए मैंने आपको दिखा दिया अगर आप लोगों को इस टाइप के चाहिए तो आप ले सकते हो और इसके बाद ये गॉगल्स वगैरह था कॉस्मेटिक का सामान भी मिल जाता है क्योंकि हम मेट्रो की तरफ जा रहे थे तो मुझे ये सारी चीज़ें दिखी मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया है इसके बाद ये क्लेचर वगैरह आप देख सकते हैं इस टाइप का क्लेचर मिल जाएगा कॉस्मेटिक की चीज़ें भी बहुत सारी थी इनके पास और ये इस टाइप से कूटने वाली चीज़ें मिल जाती हैं मसाले कूटने वाले इंसानों को कूटने वाली नहीं ठीक है और ये डोरमेट वग़ैरह मिल जाएगा दरी मिल जाएगी इनके पास बहुत मतलब ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट में मार्केट के बाहर भी आपको मिलता है ये आपको हंड्रेड हंड्रेड के सेल में इस टाइप के टैडी मिल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें सारे एनिमल्स आपको मिलते हैं इस टैडी में तो ये आप देख सकते हो हंड्रेड हंड्रेड का सेल था ये बड़ा वाला जो था ना उसका साढ़े तीन सौ रुपये बता रहे थे और ये देख सकते हैं हंड्रेड में ये सेल लगा हुआ था स्काफ का और बहुत ही अच्छा होता है इससे कंफर्टेबल होता है इसलिए सभी गर्ल्स जो है ना लेती ज़रूर है यहाँ पर अच्छे अच्छे कलेक्शन और डेनिम वगैरह भी मिल जाएगा हंड्रेड हंड्रेड का सेल में था ये डेनिम शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ इन, इंक्लूड था इसमें पर्स का भी कलेक्शन मिल जाता है पर्स का कलेक्शन तीन सौ साढ़े तीन सौ ऐसे करके था और ये देख सकते हैं एडी ज्वेलरी जो होती है वो भी आपको इस टाइप सा मिल जाता है यहाँ पे तो इसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं और उसके बाद ना ये देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है बहुत सारे लोग यहीं से लेके जा रहे थे तो मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए अगर बॉयज़ के लिए कुर्ती कुर्ता वगैरह लेना होना तो वो ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ पाँच सौ में और ये जूट की बने हुए थैले थे अगर आपको इस टाइप का चाहिए तो आप ले सकते हैं और ये बैम्बो जो होता है ना उसके बने हुए कुछ डेकोरेटिव चीज़ें थी जैसे कि होता है ना घर में आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल तरीके से ये देखिए इस टाइप की चीज़ें हैं ये ना बांस की बनी होती है ये देख सकते हो इसमें ये डाली वगैरह होती है ना टोकरी आप इसे फ्रूट्स वगैरह रखने में ये देख सकते हैं ये गमला वगैरह जो होता है इसमें आप रख सकते हो तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी इसके बाद फैब्रिक तो बहुत सारे अवेलेबल थे डैनिम टॉप ये सब मिल जाता है सेल में और ये मैं मेट्रो की तरफ जा रही थी ना तब मुझे ये सारी चीज़ें दिखी थी ये हंड्रेड हंड्रेड में टॉप का सेल लगा हुआ था ये बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाती है यहाँ पर बुक्स भी ले सकते हैं अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो और ये डेढ़ सौ ढाई सौ ऐसे करके सेल लगा हुआ था छोटे बच्चों का डेढ़ सौ करके था और बड़े लोगों का ढाई सौ करके बता रहे थे ठीक तो है तो सबका अलग अलग प्राइस था इस टाइप का भी आप मिल जाएगा आपको स्लीपर मिल जाता है तो आप ये ले सकते हैं और हाँ अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाई है बहुत टाइम लगा था मुझे और बहुत मौसम तो पता ही अभी दिल्ली का कैसा है ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है जिसमें आपको इसका ये ड्रेसेस वगैरह मिल जाते हैं खिलौने मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं जो लाजपत नगर मार्केट में नहीं मिलता है आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है ड्रेसेस वगैरह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे ठीक है अफ़ग़ान वगैरह मिल जाता है और वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक भी कर देना बहुत मेहनत से बनाई है ये देखिए ये आपको बैंगल्स मिल जाते हैं ये ना सौ का तीन बोल रहे थे फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम सौ का चार लगा देंगे जिनको इस टाइप के बैंगल्स की चाहिए हो तो आप ले सकते हो वैसे मुझे चाहिए नहीं था इसलिए मैंने बार्गेनिंग की नहीं और ये बेल्ट वगैरह भी देख सकते इस टाइप का लेना हो तो आपको ये भी मिल जाएगा देखिए और इसका प्राइस भी मतलब भैया लगा देते हैं यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि बार्गेनिंग में कोई दिक्कत होगी ठीक है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है टेक केयर एंड बाय